सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका नई वीडियो नए टॉपिक में स्वागत है। या दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आज बात करने वाले हैं जो आपकी 22 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका पेपर होगा 22 अप्रैल में। तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर आपको पता नहीं है किस प्रकार से आएगा, सेव नेक्स्ट कैसे करना है, टाइमिंग चलेगा, जो पर्सन आपको कर लिया है मतलब उसको कैंसिल करना चाहते हो, ये मेरे को आंसर नहीं आ रहा। सेव नेक्स्ट की सबसे बड़ी समस्या रहती है जब शुरू शुरू में फर्स्ट टाइम देने जाता है तो उसका ये समस्या रहती है कि मतलब मैंने क्वेश्चन तो कर लिया, मेरे को पता नहीं चला कि मेरा पर्सन सेव सही कर लिया है, पर्सन सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा, टाइमिंग कहाँ चलता है, पहले कौन से सब्जेक्ट को खोल सकते हैं, हमें जीके कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, साइंस करते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर कीबोर्ड का क्या काम रहेगा, सेम आपका पेपर होगा उसी प्रकार से बता रहा हूँ, सेम की सेम। मतलब वहाँ पर जो कीबोर्ड होगा उसका कोई काम होगा क्या, स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर किस प्रकार सबसे पहले खुलेगा, तो हमें पासवर्ड है, रोल नंबर है, किस प्रकार से शो करना होंगे, और जो पढ़ने की इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नोटिस करना है, सारी जानकारी बताऊँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, 1% भी आपका डाउट नहीं रहेगा। वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर। तो हम लेते हैं आज इसमें जनरल ड्यूटी का पेपर लेते हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं जनरल ड्यूटी का पेपर और उसके बाद में हम सेम जो जनरल ड्यूटी का पेपर बताऊंगा हर ट्रेड पे लागू है वो का वो हर ट्रेड पे लागू है। हम गो करते हैं यहाँ पे, ये इंडियन आर्मी की साइड पे दिया हुआ है। आप जब सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, आप बायोमेट्रिक होकर अपने रूम में एंट्री कर लोगे तो सबसे पहले आपके पास जिस यहाँ पे आपकी शीट मिलेगी आपको वहाँ पे आपको ये इंटरफेस सामने आएगा। आप यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपकी फोटो रहेगी, ये आपके सामने खुला हुआ मिलेगा। सेम ये कह रहेगी यहाँ पे आपका सीट सिस्टम नंबर, मतलब जहाँ पे आपको सीट मिलेगी 10 नंबर है, 12 नंबर है, 18 नंबर है, 20 नंबर है, 24 नंबर, वो आपकी यहाँ पे सीट नंबर आ जाएगी, नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा सेम ये का ये रहेगा। अब आप ध्यान से देख लेना, रहने के बाद में आपको क्या करने का, यहाँ अपने रोल नंबर भरने और यहाँ आपको अपने पासवर्ड भरने। जैसे टाइम होगा ये भर के रखो, जाते ही बैठते बैठते ही इसको भर दो, पासवर्ड और रोल नंबर को भर दो। रोल नंबर पासवर्ड दोनों एडमिट कार्ड में दिए हुए रहते हैं, एडमिट कार्ड में दिए हुए रहते हैं रोल नंबर। आप चाहो तो इसको कीबोर्ड से भी भर सकते हो, वरना इसमें आपको इस आप इस स्क्रीन पे कीबोर्ड आ रहा है इससे भी भर सकते हो, वरना आपकी ये जो शो हो रहा है जो आपको वहाँ पे कीबोर्ड रहेगा उससे भी भर सकते हो, दोनों से भर सकते हो, आपकी मर्जी है। परंतु कीबोर्ड का इतना ही काम रहेगा कि आप रोल नंबर पासवर्ड भर दो, बाकी सारा काम माउस का रहेगा, माउस से टिक करना है पूरा का पूरा। समझ में आ गई? यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी फोटो दिखाई देगी, ये कंप्लीट आपको जैसे रोल नंबर और पासवर्ड भर दिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे टाइम होगा आपके स्क्रीन पे टाइम रहेगा 32 मिनट है, 4 मिनट क्यों बच रहे, इतना बच रहा है, आपको वहाँ से आदेश मिला गया कि आप सिंग इन करो। जैसे आप इसको सिंग इन करोगे तो सेम का सेम यही पेज आपके वहाँ खुलकर सामने आएगा, जैसे ये आ रहा है सेम ये का ये। अब इसमें इंग्लिश दी हुई है, आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप टिक करोगे, माउस रहेगा आपके पास, टाइम पड़ा है आराम से, तो इसको हिंदी में कर लो, हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। आप इसको आप पूरा रीड कर लो, आपके पास अभी टाइम है, रीड कर लो आराम से, अगर इच्छा है तो पढ़ लो। और इसमें निर्देश दिए कि एग्जाम में क्या क्या करना है, क्वेश्चन की कितनी नेगेटिव मार्केटिंग है, एक क्वेश्चन में एक बार ही टिक करना है, डबल नहीं होंगे, ठीक है। ये करने के बाद में आप यहाँ आपको हिसाब से लास्ट में यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट जैसे करोगे, जैसे नेक्स्ट करो फिर एक बार आएगा। अब आपने प्रिपरेशन हिंदी में की है कि इंग्लिश में की है वो सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी फोटो और नाम आपका ऐसा चलता रहेगा लास्ट तक पेपर दोगे तब तक। तो आपने जैसे भाई हिंदी में आपने हिंदी में प्रिपरेशन किया, मैं हिंदी में पेपर देना चाहता हूँ, तो यहाँ आना आपको, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ ये सेलेक्ट करना मत भूल जाना, ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे एक देखो निर्देश पढ़ने के बाद में यहाँ पे एक ब्लर करना है, जो कि मैंने कर दिया, ये देखो आप ठीक देख सकते हो, ये डब्बा है इसको ब्लर करना है। ब्लर करते ही, ब्लर करने से पहले देखो ये आई एम रेडी गो है, आई एम रेडी है ना, ये अभी फिका हो रखा है ना, अभी देखना ये ब्लर हो गया, आई एम रेडी टू बिगेन, इस पे क्लिक करना आपको। अब सेम आई एम रेडी टू बिगेन पे क्लिक करते ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही आपका पेपर स्टार्ट हो गया, मतलब सबसे पहले चीज ध्यान में रखो कि आपका टाइम स्टार्ट हो गया। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए इधर उधर नहीं देखना है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टाइम चालू हो गया है, 60 मिनट का मिलता है आपको, 1 घंटा का टाइम मिलता है, ये टाइम चालू हो गया। यहाँ पे आपकी फोटो रहेगी, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे जो आप करोगे। अब सबसे पहले मैं बता दूँ आपकी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले देख सकते हो जीके आ रखा है यहाँ पे,
यहाँ पे जनरल साइंस है, यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे रीजनिंग है, चारों सब्जेक्ट के यहाँ पे दिए हुए आप देख सकते हो दिए हुए। और सबसे पहले अपने पास जीके दिए हुए, अब आप ये भी देख सकते हो कि जीके में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन का पूरा डब्बा बना हुआ है यहाँ पे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, देखो आंसर सही करोगे मतलब आंसर को सेव नेस्ट करोगे तो बलर होगा, अगर आंसर को छोड़ दोगे नोट आंसर होगा तो उसमें रेड कलर का रहेगा, और कुछ भी नहीं करोगे मतलब उसको विजिट भी नहीं करोगे तो ये ऐसा रहेगा नो मार्क ऐसा। इस प्रकार से समझने के लिए आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि जो भी नया फर्स्ट टाइम गर्ल्स एंड बॉय जाते हैं वो इन चीजों पर ध्यान नहीं रहता है, सेव नेस्ट करते नहीं, पूरा पेपर सबमिट नहीं होता है, फिर इस कारण से आपकी गलती हो जाती है। अब जैसे हमने जीके का खोल रखा है, जीके का खोल रखा है द्वितीय विश्व युद्ध 45 में मैंने टिक कर दिया भाई, मैंने यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, यहाँ आइए, ये देखो सेव नेक्स्ट आपको दिखा दे, इस पर टिक करना। इसे टिक करने से पहले आप यहाँ देखिए, ये रेड कलर का हो रखा है ना, इस पर मैं टिक करूंगा, टिक करते ही देखना ब्लू कलर का हो गया ब्लू कलर का, तो सेव नेक्स्ट करते ही मतलब क्वेश्चन क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। आप देख सकते हो मैंने 3% कर दिए आगे से आगे, तो फिर ब्लू कलर का हो जाता है। आप नहीं करोगे, जैसे इसको आपने टिक कर दिया इधर, भाई मेरा अमृतसर किया हुआ है इसमें, आंसर अमृतसर कर दिया, और सीधा आप यहाँ से सीधा माउस ले, क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं कोई भी पेपर देने जाता है यहाँ लाता है, सीधा यहाँ लाके 5 पे ले आता है, देखो वो रह गया ना, जो छोटा हुआ पर्सन है वो ऐसे रह जाएगा, तो यहाँ भी काउंटिंग बढ़ रही है देखो आप। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको सेव नेक्स्ट करना ही है, जिस पर्सन को सेव नेक्स्ट करोगे वहाँ टिक करने के बाद में सेव नेक्स्ट करना है, आप टिक नहीं करोगे और सीधा सेव नेक्स्ट करोगे ना तो वो नहीं होगा। अब देखो मैंने इस पर्सन को निकाल लिया, इस पर्सन को मैंने सेव नेक्स्ट किए बगैर ही टिक किए, वहाँ पर आंसर नहीं दिया कोई भी मैंने इस पर्सन का, और सीधा मैंने सेव नेक्स्ट कर दिया, 10वां पर्सन है। अब देखो मतलब ब्लू कलर का नहीं होना, रेडी रहेगा ना। अब देखो मैं इस आगे वाले क्वेश्चन को करता हूँ, इसका मैंने आंसर दे दिया, उसके बाद में मैं सेव नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेव नेक्स्ट कर दिया, ये तो हो गया। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि हम पहले कौन सा टॉपिक निकाल सकते, कोई सा भी आ सकता है बिल्कुल। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो जनरल साइंस मैथ रीजनिंग, यहाँ पे आपके माउस की सहायता से एरो के ले जाओगे, यहाँ इस पर टिक करोगे, ये देखो ये आ गई साइंस आ गई, पूरे 15 क्वेश्चन आ गए इधर, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप मैथ पे जाओगे, मैथ करना चाहते हो मैथ कर लो, आप रीजनिंग पे जाओ रीजनिंग कर लो, ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा सब्जेक्ट करते हो। जैसे रीजनिंग के 5% हैं, 500% यहाँ पे आ गए, टोटल यहाँ पे चलेगा, लास्ट में आपको पता चले टाइम यहाँ पे चलेगा, आपको जैसे 5 मिनट होगा आपके पास मैसेज आएगा कि आपका टाइम होने वाला है, इस चीज़ का आप विशेष कर ध्यान रखें। तो ये पूरी प्रोसेस थी, आपको सेव नेक्स्ट करना, लास्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने ये कर लिया भाई, आपने सोचा कि मेरा मैथ में पहले रीजनिंग कर रहे हो साइंस कर रहे हो, मेरा मैथ में क्वेश्चन छूटे हुए, तो वापस मैथ निकाल लो, मैथ निकाली, मैथ निकालने के बाद में कह रहा था मेरा हाँ एक कोई क्वेश्चन छूटा हुआ था बीच में, 15वां था, 12वां था, 7वां था, तो सीधा क्वेश्चन पे क्लिक यहाँ पे दबाओ, सीधा आपका क्वेश्चन आ जाएगा। वो जो नहीं किया हुआ होगा वो इस कलर में मिलेगा, जो किया हुआ है वो ब्लू कलर में मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे निवेदन है कि बहुत भाई और बहनों को पता नहीं ये गलती करके गाते हैं, इस कारण पेपर में रह जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आज की जानकारी मैंने बताई वीडियो के माध्यम से कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से पता लगा दीजिए कि हाँ आप इस प्रकार पेपर होगा। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।